वहीं मुंबई में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक कुल 3 मौत हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के अब तक 65 मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मुंबई के घाटकोपर में रहने वाली 63 साल की महिला की डेल्टा प्लस से मौत हुई है। इस महिला में 21 जुलाई को कोरोना के लक्षण पाए गए थे, साथ ही डायबिटीज और कुछ बाकी बीमारियां भी थीं। महिला ने कोविशील्ड की दोनों वैक्सीन भी ली हुई थी। महिला को 24 जुलाई को एडमिट कराया गया था और 27 तारीख को उसकी मौत हो गई। महिला के परिवार के 6 लोग भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 80 साल की एक महिला की डेल्टा प्लस से जान गई थी। इसके अलावा रायगढ़ में डेल्टा प्लस के 2 मरीज पाए गए, जिनमें 69 साल के एक मरीज की मौत हो चुकी है। जिन दोनों मरीजों में डेल्टा प्लस के वेरिएंट पाए गए, उन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन ली हुई थी। इन दोनों के संपर्क में आए 9 लोग भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सबको मेरी यही अपील रहेगी, जब तक ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन राज्य में नहीं होता है, तब तक कोरोना के नियमों का पालन होना चाहिए। मास्क पहनना, सैनिटाइजर करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना जरूरी है। ये वायरस है, कैसे भी फैलता है, हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। पूरे महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के अभी तक 65 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 13 केस जलगांव में पाए गए हैं। रायगढ़ से प्रफुल्ल पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई।